नमस्कार जी, हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। माय नेम इज़ कनव एंड जय माता दी टू ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। सो इन दिस वीडियो मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि आप लोगों को जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है वहाँ से वैष्णो देवी कैसे जाना है, क्या चार्जेस पड़ेंगे, क्या हिसाब है, मैं आपको पूरा बताऊँगा इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं हर पॉइंट में आपको सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो अभी हम करते हैं स्टार्ट। अभी हम हैं प्रेजेंटली रेलवे स्टेशन पे, तो अभी हम निकल रहे हैं जीवल की तरफ। वेट ए मिनट, जीवल जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे यहाँ पे ही श्राइन बोर्ड के रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे भी रूम्स वगैरह ले सकते हो आराम से। और जीवल हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जीवल से ही बसेज जाती हैं कटरा के लिए। तो जीवल रेलवे स्टेशन से है 5 किलोमीटर के करीब दूर। तो आपके अगर आपके पास सामान है तो 20 रुपीज़ चार्जेस लग जाएंगे आपको। आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जीवल वगैरह में जैसे भी आपको बसेस वगैरह जैसे लेनी है मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया। और अगर आप लोग रात को आए हो तो आप लोग रेलवे स्टेशन के पास भी जो श्राइन बोर्ड के अंदर ही भवन वगैरह आते हैं एक में, तो आप लोग वहाँ पर स्टे कर सकते हो आराम से। 100 रुपीज़ चार्जेस हैं बैठ के। तो उसके बाद आप लोग सुबह सुबह उठो और मेटाडोर पकड़ो और जीवल आ जाओ। जीवल से आपको बसेस मिल जाएंगी बहुत सारी और प्राइजेस होंगे 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ लास्ट। और अगर आप ज़्यादा हो तो आप बार्गेन भी कर सकते हो। तो वहाँ से आप लोग निकलो और भी जहाँ पे हम लोग हाईवे पे खड़े हैं आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके बाद इस हाईवे का मज़ा लीजिए। तो अभी फ़िलहाल इसी मोड़ पे किल घुस गया हुआ है और टायर पंचर हो गया हुआ है। टच वुड, 3 साल में मुझे लग रहा है पहली बार ऐसे पंचर हुआ है। और किल देखो आपको सामने सामने दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा किल घुसा है, तो पंचर खतरनाक हो गया। चलो जय माता दी बोल के अब लगाएंगे इसको हम धक्के। तो ये भी इन्हें हमारी हेल्प कर दी, थैंक्स। हो गई है हमारी बाइक पार्क, तो अब चलते हैं, लेट्स गो। कटरा पहुंच गए हैं हम और अभी हम लोग जा रहे हैं जो कटरा का बस स्टैंड है वहां पे। तो अगर आप लोग रेलवे स्टेशन से ये बस स्टैंड तक आ रहे हैं और बस स्टैंड से ऊपर जो मेन गेट है जहां से स्टार्ट होती है यात्रा, वहां तक की डिस्कशन हम आगे करते हैं वीडियो में। उससे पहले आपको लेनी है यात्रा पर्ची। और ये है निहारिका कम्प्लेक्स। मैं निहारिका कम्प्लेक्स ये बस स्टैंड पे ही है। मैं निहारिका कम्प्लेक्स इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अर्धकुंवारी में रूम लिया हुआ है। तो रूम की बुकिंग पक्का करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये रहे, ये जितनी भी लिस्ट लग रही है आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से चार्जेस सारे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से रूम पक्का करके ही आगे अपनी यात्रा स्टार्ट करना अगर आपने रूम लिया है। सो जय माता दी, हम लोग जहाँ से स्टार्टिंग से हमने यात्रा स्टार्ट करनी है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आप सब भक्तों को ये दर्शन करवा रहे हैं, जय माता दी टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले जो भी चीज़ें आपको बताई, यात्रा पर्ची ज़रूर लाना। और ये रहा रात का सुंदर सा व्यू माता रानी का। तो इसके बाद स्टार्टिंग में ही आएगी चेक पॉइंट, यहाँ पे आपकी यात्रा पर्ची चेक होगी। और आपको कोई भी नशीला पदार्थ अगर आप यूज़ करते हो तो यहाँ से अंदर वो ले जाने दिया जाता, वो यहाँ पर ही चेक करते हैं। तो कोशिश भी मत करना, बैग पूरा स्कैन होगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुकी है हमारी यात्रा। तो फाइनली अभी हम लोग जो गुलशन कुमार जी का लंगर है वो आपके जैसे आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी जो दो मार्ग हैं जैसा आपको पता होगा, एक पुराना वाला जो पुराना रूट है, एक है ताराकोटा मार्ग। तो जो नया वाला रूट है वहाँ पर घोड़े नहीं चलते हैं और वो थोड़ा बोल सकते हैं ईजी है, थोड़ा ईजी भी है और वहाँ पे घोड़े नहीं चलते, पर वो 2 किलोमीटर ज़्यादा लंबा है। पर जो पुराना वाला मार्ग है वहाँ पे रास्ते में बाणगंगा वगैरह सब कुछ वहाँ से आता है। तो इस बार मैं जो पुराना मार्ग है, जो पुराना वाला रास्ता है, वहाँ से आपको कवर करके बताऊँगा। अगली बार जब आएंगे तो आपको शायद दूसरे रास्ते से बताऊँगा। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। अगर आपको चाहिए कि घोड़े वगैरह रास्ते में आपको तंग ना करें तो आप ये ताराकोटा वाला मार्ग से जा सकते हैं, आप आराम से जा सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा बाणगंगा स्टार्टिंग में ही आती है, तो फर्स्ट ब्रिज आता है 200 मीटर पे, वो है बाणगंगा का।
तो अभी आप जो देख रहे हो ये पानी, ये स्नान घाट भी है और इसको बाण गंगा बोलते हैं। बाण गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि माता रानी ने अपने बाण से ये गंगा निकाली हुई है, तभी इसका नाम बाण गंगा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हम स्नान ज़रूर करते हैं। अभी लियान भाई ने जैसे अभी फेस पे थोड़ा पानी थोड़ा सा टच करवाया है, तो आपको स्टोरी थोड़ी सी बता दूँ। माता रानी ने अपने बाण से यहाँ पे गंगा निकाली थी और अपने बाल भी यहाँ धोए हैं, और उसके बाद जो हनुमान जी है उनको जो उन्होंने अपनी प्यास यहाँ से ही बुझाई थी यही पानी पी के, तो तभी इसका नाम बाण गंगा है। तो यही एक छोटी सी स्टोरी है। तो ये ऊपर से आता है ऐसे पानी। सो अब हम वापस ट्रैक पे जा रहे हैं, तो अब आपको सीधे ऊपर जाके मिलते हैं स्टेयर्स से। अभी हम लोग फाइनली चरण पादुका पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा हो गया। तो अभी हम चरण पादुका हैं, तो ये अब हम थोड़ी सी देर में ही चरण पादुका पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे माता रानी के चरणों के निशान हैं। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी और बेबी कार्ड जो होती है, ये प्रीपेड काउंटर्स आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, 2-2, 3-3 किलोमीटर्स के बाद अवेलेबल हैं, और इन सब के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आपको ये गवर्नमेंट रेट्स हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप तब भी थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हो। तो फाइनली अभी हम लोगों ने चरण पादुका क्रॉस कर लिया हुआ है। चरण पादुका में माता रानी के जो चरण हैं वहाँ पे उनके निशान हैं, आप वहाँ जाके माथा टेक सकते हो। हम लोग अभी वहाँ नहीं गए, तो हमने बाण गंगा से जो नीचे आपको दिखाई थी बाण गंगा, उससे अभी 2 किलोमीटर क्रॉस कर लिया हुआ है। अभी हम 2 किलोमीटर क्रॉस करके यहाँ तक आ चुके हैं, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, पानी और वॉशरूम की अवेलेबिलिटी फुल है यहाँ पे, हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और खाने पीने की हर जगह शॉप्स ही शॉप्स हैं। अगर आप आ रहे हो, आपको कुछ लाने के साथ में ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत आइए और आराम से जय माता दी बोल के आराम से सफ़र कीजिए। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स हो प्लीज इसके अंदर डालो। ये रहे प्रीपेड काउंटर्स, यहाँ पे आके आप घोड़ा, इसके बाद 3 किलोमीटर पे यहाँ पे जो फिक्स रेटर्स हैं, जो घोड़े वगैरह के फिक्स रेट हैं, आपको वही देने हैं। यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये वो वाले काउंटर्स हैं, तो ये हर चीज के जो गवर्नमेंट ने रेट सेट किए हैं ये वो रेट हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपसे कोई ज्यादा नहीं लेगा, सारे रेट लिखे हैं। को जैसे अगर कोई आपके साथ बुजुर्ग है, जिनको जैसे मेरे साथ बुजुर्ग आए हुए हैं, अगर आप उनकी टांगों वगैरह में दर्द हो रही है, तो रास्ते में आपके पैर वगैरह सब कुछ सही कर देंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा हमारे बुजुर्ग इंसान। एक प्रो टिप आप सबके लिए, स्टेयर्स अगर आपको लगे कि आसान है, तब भी बिल्कुल मत चढ़ाई करना स्टेयर्स से, सीधे रूट से पैदल चलो और आपकी टांगे बिल्कुल आराम से सारा सफर सह लेंगी। सारे बोलो, जोर ये बोलो, जय माता दी, जय माता दी, पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी कर दे जाओ। पानी आपको इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अवेलेबल होगा, तो आपको वाटर बॉटल बार बार खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से आप सफर कर सकते हो। तो फाइनली अभी हम लोग इंद्रप्रस्थ, तो यहाँ से घोड़े वाले भी जाते हैं, आपको यहाँ से नहीं, आपको इस तरफ से जाना है। तो ये 5.5 किलोमीटर है, तो जो ऊपर से रास्ता है वो लंबा है, वो 6.5 किलोमीटर है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसा आपको वो दिख रहा है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी सारी मिलेंगी। अभी हम अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं और रात के बज गए हैं 11। तो श्राइन बोर्ड के जो भोजनालय हैं उसके जो चार्जेस हैं रोटी के, वो बहुत सस्ते हैं, 40 रुपीज़ की ये पूरी प्लेट है। और अगर आप जा रहे हो तो मस्त ट्राई करना, राजमा चावल तो करना, पर कढ़ी चावल मेरे फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, कढ़ी चावल ज़रूर ट्राई करना।
अगर आपने नीचे से रूम करवाए हुए हैं तो ये रहा अर्धकुंवारी का, ये इसको काउंटर नंबर 1 बोलते हैं। तो ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे आपको, आपके पास आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी हम फाइनली जो गर्भजून है वहाँ पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा हो गुफा। पर न्यूज़ ये पता लगी कि गर्भजून की गुफा अभी बंद है, तो कब तक बंद रहेगी कोई पता नहीं। आज डेट है 16, तो अभी तो ये बंद है, तो कब खुलेगी कोई आइडिया नहीं है कोरोना के टाइम पे। तो बस उसी के लिए हमने अर्धकुंवारी में यहाँ पे कमरा लिया था कि यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे तो और सुबह दर्शन करेंगे गुफा के। पर अभी बंद है, तो फ्यूचर में ज़रूर आपको ज़रूर एक बार, क्योंकि मैं काफ़ी बार आया हूँ, जम्मू से ही हूँ तो काफ़ी बार आया हूँ यहाँ वैष्णो देवी, पर ये हर बार रह जाती है क्योंकि इसकी लाइन बहुत लंबी लगती है। जैसे अगर आप शाम को पर्ची कटाओगे तो सुबह जाकर नंबर आता है, सोच लो कितनी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि कंजेस्टेड गुफा है इस वजह से कम लोगों को भेजा जाता है। तो अभी तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब चलते हैं रूम की तरफ, लेट्स गो। तो फाइनली जो अर्धकुंवारी गर्भजून जहाँ पे नीचे निहारिका भवन से रूम बुक करवाया था वो हमें मिल चुका है और हम वहाँ पहुँच चुके हैं। वो देखो जैसे कि आपको घड़ी में दिख रहा है 12:30 होने वाले हैं। तो इस तरह का कुछ अच्छा सा रूम है। तो 750 में आप दो बंदे यहाँ पे मतलब रह सकते हो। अगर आपने चार बंदों ने रहना है तो वो भी आप आके चेंजिंग करवा सकते हो। जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह उन्होंने खूब दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक हमने नीचे डाला, एक ऊपर लिया, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं। रूम हीटर पड़ा हुआ है, अंदर गीज़र मतलब वॉशरूम अच्छा है। तो इस तरह का कुछ रूम है अगर आप आ रहे हो प्री प्लान करके आओगे। तो अगर आप वैष्णो देवी की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो प्री प्लान करो, तो आपको आराम से रूम, आप अगर टाइम से पहले करोगे तो आपको आराम से बुक हो जाएगा, तो आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं तो अगर आपको ऐसे रूम नहीं, अगर आप सिर्फ बॉयज़ हो तो आप डोरमेट्री जहाँ पे अलग अलग जगह पे बेड्स होते हैं, 100 रुपीज़ चार्ज होता है उस बेड का, तो आप वो भी ले सकते हो। तो वो भी अच्छा है वैसे रात को सोने के लिए, थोड़ा सामान वगैरह का खतरा होगा, बाकी कोई इशू तो नहीं है, वैसे होता तो नहीं है पर इशू यही है। तो इसी के साथ आज का करते हैं हम अपना व्लॉग क्लोज। तो आपको सुबह मिलते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, ऐसे तो हम सुबह उठते नहीं हैं, तो देखते हैं सुबह उठ के कैसा लगता है वैष्णो देवी गर्भजून में। और आपको एक पॉइंट बता दूं, मैं यहाँ पे आया था, मैंने सोचा था कि यहाँ पे मुझे दर्शन होंगे, गुफा जाने का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ ज़्यादा देरी ना करते हुए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, तो आपको मिलते हैं हम सुबह गुड मॉर्निंग करते हुए, लेट्स गो। Like a bird on a tree, I'm just sitting here.